टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र भाट के आवास पर आज कई महिलाओं ने एनसीपी का दामन थाम लिया है। मंत्री जितेंद्र अवहाट के नेतृत्व में ये सभी महिलाएं एनसीपी पार्टी में प्रवेश की हैं। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं कई अन्य अलग अलग पार्टियों को छोड़कर एनसीपी में शामिल हुई हैं। वहीं मुंब्रा की रहने वाली बालिका खराल, जो पहले बीजेपी में थी मगर बीजेपी छोड़ने के बाद अब उन्होंने भी एनसीपी का दामन थाम लिया है। बताया जा रहा है कि इन्होंने 2017 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ा था और एनसीपी में अब शामिल होने के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी हम सुना रहेंगे आपको। और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी में जो है उन्हें रहकर काम करने का मौका नहीं मिलता था। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए क्या कुछ बालिका खरात ने कहा है सुनिए। मुंब्रा में अवर साहब आए हैं, जब से काफ़ी सारी सुधारनाएँ हुई है और उनका काम बहुत अच्छा है। और जो लेडीज़ मतलब रुता मैडम है, उनके पास भी एक काम से मैं अभी बीच में गई थी तो मैंने देखा उनका काम भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जुड़ जाऊँ ताकि मैं भी कुछ आगे काम कर सकूँ महिलाओं के लिए वगैरह। इस हिसाब से मैंने सोचा कि जुड़ जाऊँ। ताई ने बोला कि चलो साथ में सब मिलकर करते हैं हम लोग काम, इसके लिए हम लोग जुड़ गए। बीजेपी पार्टी से थी यहाँ पर कार्यकर्ता के तौर पर थी, तो आखिर बीजेपी पार्टी में ऐसी कौन सी बाधाएं आती थी कि आपको काम करने में तकलीफ होती थी, कौन रोकता था? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, पार्टी वाले हमारे भी ठीक ही था, लेकिन काम जो करना है ना, जैसे काम हम लोग करना चाहते थे वैसे काम नहीं कर पा रहे थे, इसके हिसाब से फिर हम लोग कुछ वजह रही होगी, वजह भी ऐसे तो नहीं बता सकते। लेकिन आपने ऐसा क्या काम देखा डॉक्टर जितेंद्र अवहाट साहब का, सुनीता सातपुते मैडम का, जो आप आकर्षित हो गए कि मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ मतलब आकर्षित हो गए कि हाँ यहाँ पे मेरा काम बन सकता है, क्या काम आपने देखा? यही अभी सब जो हम लोग देख रहे इतने सालों से काफ़ी सारी मतलब सुधारनाएं मुंब्रा में हो चुकी है, जब कहीं मुंब्रा का नाम था भी नहीं अपने, लेकिन जब से साहब आए तब से हर जगह मुंब्रा की चर्चा भी है। और जैसे लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सॉल्व हो चुके, बहुत सारी सुधारनाएं छोटी मोटी हो चुकी हैं जो अभी बता नहीं सकती इतने, लेकिन अच्छे से काम हुआ है उनका, इसलिए हमने सोचा कि हम जुट जाए। और अभी आपको कौन सा पोस्ट दिया गया है? अभी पोस्ट तो कुछ नहीं, अभी हम प्रवेश किए अभी पोस्ट तो कुछ है नहीं। आप बीजेपी में जब थी उस वक्त जो है बताया महिला अध्यक्ष थी, मैं चुनाव के लिए भी आप कैंडिडेट थी, तो अब एनसीपी में शामिल हुई हैं, तो क्या लग रहा है आपको? अभी काम करेंगे अच्छे से साहब के साथ, मैडम के साथ, ताई के साथ जो रहेगा, एक्चुअली सोशल वर्कर हम लोग ज़्यादा मतलब कर सकते हैं अच्छी तरह से। आने वाली जो महिलाएं हैं मुंब्रा की, उनसे आप क्या निवेदन करना चाहिए और किस तरह से आप औरतों को आप जोड़ने का काम करेंगे? एक्चुअली औरतें मेरे साथ बहुत सारी जुड़ी हुई है पहले से ही, लेकिन अभी बीच में थोड़ा अभी मैंने भी 2-3 साल से थोड़ा गैप लिया था, फिर से हम लोग जोरों शोरों से पहले से काम चाल। जब साहब आए तभी हम लोग ने साहब के लिए भी स्टार्टिंग में, जब भी बीजेपी का तो था नहीं यहाँ पे बीच में, तब साहब के लिए बहुत सारा हमने काम किया था, लेकिन जब फिर हम बीजेपी, पहले से हम लोग बीजेपी में ही थे लेकिन बीच के पीरियड में बीजेपी यहाँ से हट गई थी, तब जब स्टार्टिंग में साहब आए तब साहब के लिए भी हमने बहुत सारी मेहनत ली थी, लेकिन फिर से हमारे बीजेपी का ये हुआ पिछले 5 सालों से तो हमने काम किया था, लेकिन अभी थोड़ा चेंज कर दिया। अभी आपने जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आपने ज्वाइन किया है, तो इसलिए तो नहीं ज्वाइन किया है क्योंकि राज्य में राष्ट्रवादी महाविकास अघाड़ी की सरकार है और उसके अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के बड़े नेता डॉक्टर जितेंद्र अवहाट जी है, तो आपने वो देखते हुए तो ज्वाइन नहीं किया? नहीं नहीं, कि यहाँ पे हमारा काम हो सकता है क्योंकि बीजेपी अभी केंद्र में सत्ता में है, राज्य में नहीं है। नहीं नहीं वैसा कुछ हमने सोचे किया नहीं है, खाली यहाँ पे हमने नजदीक से देखा है साहब का काम, कभी रात बिरात साहब कोई भी काम रहेगा तो आते हैं या मैडम भी फ़ोन करती है, कुछ भी रहता है तो ये लोग सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम ज्वाइन हो जाए, बाकी कोई वजह नहीं है। सुनीता मैडम क्या कहेंगे आप बीजेपी की महिला पदाधिकारी की जो आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में ज्वाइन हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र अवहाट के नेतृत्व में, और आपको यहाँ पे आपको सामने रख के उन्होंने पक्ष में प्रवेश किया, ऐसे स्थिति हम क्या कहेंगे? सबसे पहले बालिका ताई का मैं स्वागत करती हूँ
और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है। वो यहाँ की बहुत सालों से यहाँ वो रहते हैं, तो हमारा उनका वैयक्तिक संबंध बहुत पहले से अच्छा है। तो उनका उनका भी काम मैंने देखा है, जब वो बीजेपी में काम करती थी तो उनका भी काम मैंने नज़दीक से देखा है महिलाओं में, महिलाओं के लिए। और कुछ भी छोटे मोटे प्रॉब्लम होते तो हमेशा हमको फ़ोन वगैरह करके वो महिलाओं का काम करके देती है। अभी बात यह है कि अभी उन्होंने वो जो हमारे माननीय अमदार जनरल आवाड़ साहब, हमारे मंत्री जी, उनका जो मुमरा में सांप का जो काम है, सांप का कार्यकर्ता के साथ जो संबंध है, उससे ज़्यादा लोग खुश है। क्योंकि मैंने भी अभी 5 साल में वो पार्टी के साथ काम करी हूँ, हमारे आवाड़ साहब और मैडम, हमारी रीता मैडम, तो हमको भी एक अलग अनुभव है, मुझे भी एक अलग अनुभव मिला है कि ये लोग कोई भी काम रहने दो, बड़ा काम रहने दो, टाइम पर खड़े हो जाते हैं। मैं जब चुन के आई थी तो मेरा एक सबसे पहला ये अनुभव है, रात को चुन के आने, चुनाव होने के बाद 8 दिन में सम्राट नगर में लाइट चली गई थी और पूरी पब्लिक उतरी थी, लाइट नहीं है। तो रात को 12 बजे मैंने साहब को फ़ोन किया था, आवाड़ साहब को, और साहब 12 बजे वहाँ खड़े हो गए थे आके, और साहब ने दूसरे दिन वहाँ से एक नहीं पूरे 9 नए पोल डाल के दिए थे। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे अनुभव है कि जब से मैंने राष्ट्रपति में प्रवेश किया है और हमारा काम रुकता नहीं किधर, साहब खड़े हो जाते हैं, मैडम खड़े हो जाते हैं, पार्टी के और भी लोग हैं वो साथ में खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारा अनुभव है, तो मैं हमेशा ये अनुभव शेयर करती हूँ। तो ये ऐसे करते करते, जैसे बालिका ताई है और सारी महिलाएं हैं, तो हम जब अनुभव शेयर करते वो देखते हैं कि ताई काम कर रहे हैं, ताई को सपोर्ट मिल रहा है, तो वैसा एक माहौल तैयार हो जाता है और लोग पार्टी में आ रहे हैं। बालिका ताई मेहनती है, वो पढ़ी लिखी भी है, ग्रेजुएशन किया उन्होंने, उनके हस्बैंड एडवोकेट है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको भी कुछ अलग करने की इच्छा है, ये मैंने जाना। तो वैसे हमारी चर्चा होती थी, मीटिंग होती थी, अगर उनको महिलाओं को आगे कुछ स्कोप चाहिए, उनको आगे जाना है और कुछ अच्छा करना है, तो मैंने कहा ये पर्याय है आपके पास, ये अच्छा व्यासपीठ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आप आओ इसमें और जो आपको जो जो करना है अपने मुमरा के लिए आप करो, उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, हम साथ रहेंगे, साहब है और सारी हमारी राष्ट्रवादी की टीम है। तो जैसे हमारे विरोधी पक्ष के शानू पठान साहब है, हमारे शमीम भाई साहब है, हमारे सैयद अली भाई साहब है, नजीब भाई है, अपने नजीबुल्ला भाई है, परांज भाई साहब है, ये सब टीम हमारी जो है राष्ट्रवादी की, वो एक ऐसी टीम है जो काम करने में हमेशा आगे और कार्यकर्ताओं को साथ देने में भी हमेशा आगे रहते हैं, साथ में रहते हैं। तो ये सब वातावरण की वजह से ये महिलाएँ, बालिका ताई की जैसी महिलाएँ पार्टी में प्रवेश कर रही है और उनको आगे अच्छी संधि भी मिल जाएगी, पद भी मिलेगा, पार्टी सोचेगी उनके बारे में आगे, उनका काम देख के। तो उनका उन्होंने आज वो प्रवेश किया है और इसके लिए मैं खुश हूँ, उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ताई ने हमारी जो चर्चा उसके साथ हो गई, हमारी रूबीना ताई उसमें है, जो उसका जो बहुत बड़ा रोल है इसमें, बालिका ताई को इसमें लाने में, तो ये सब संघर्ष की टीम, तो ये सब जो माहौल है, वातावरण है, ये अच्छा है पार्टी के लिए, लोगों के लिए अच्छा है, कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा है और मुमरा के लिए अच्छा है।